वादे दे मुताबिक और दोस्तों की फरमाइश के मुताबिक अज का यह खुतबा जुम्मतुल मुबारक उस बेटी की अजमत बयान करनी है जिहड़ी बेटी अल्लाह ने बाप दे कर रहमत बना के भेजी। दुआए कि रब्बी लम यजल साढ़े पाकीज़ा दिलों के अंदर इंज की मुहब्बत अल्लाह नसीब फरमाए कि जिस तरह की मुहब्बत मेरे नबी ने अपनी बेटियां नाल फरमाई। गिरामी कदर थोड़ी जी तवज्जो जनाब दी चाहिए। कुरान वंड पिया करता है, कुरान वाजे तौर पर फरमाता है लिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्द, फरमाया अल्लाह ओवे जड़ा आसमान का भी मालिक है, वल अर्द जड़ा जमीन का भी मालिक है। अल्लाह अपना तारुफ कराता है, फरमाया अल्लाह बेनियाज और करीम अल्लाह है जिहड़ा आसमाना दा भी मालिक और जमीन दा भी, आसमाना दा भी बादशाह अल्लाह है और जमीन दा बादशाह भी अल्लाह है। यखलुकु मा यशाओ यहबु लिमन यशाओ इनासं यहबु लिमन यशाओ ज़ुकूर, बेनियाजी औलाद दिंदा है, बेटियां देवे रब की मर्जी, बेटियां देवे रब की मर्जी ते बेटे देवे ते रब की मर्जी। कमर चलिया ते फिर बंद हो गया, चलिया ते बंद हो गया, रब चल रहा ठीक है, रब बेटी देवे ते रब की मर्जी, रब चावे ते बेटा देवे ते रब की मर्जी। यहबु लिमन यशाउ इनासं व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, बेटी भी रब दिंदा है ते पुत्र भी रब दिंदा है। यजअलु मन यशाउ अकीमा, रब चावे पुत्र भी देवे ते रब चावे धियां भी देवे ते रब चावे ते सारी उम्र ना देवे, सारी उम्र गुजर जाए रब ना देवे उदी मर्जी है। पर कुरान का फैसला है पुत्र भी धियां भी रब देंदा है ते पुत्र भी रब देंदा है ते दोवें नेमतां ते रहमत भी रब देंदा है ते ना देवे ते उदी मर्जी। अगर 100 साल गुजर जाए नबी दा बुढ़ापा छा जाए ना देवे उदी मर्जी ते जदों देण ते आवे ते जदों राजी होवे ते दुआवां सुन लवे ते ओ भी उस मालिक दी शान। असी अहले सुन्नत व जमात असी दरबारां ते जरूर जाने हैं ते जाना भी चाहिए है, ते असी दरबारां वालों तो औलाद नहीं मंगते। असा किसी बुजुर्ग तो औलाद नहीं मंगते, असी जदू भी मंगने हैं किसे पाक बारगाह विच खड़े होके मंगते रब को लुआ हैं, पर मंगते प्यारियां दे वसीले नाल हैं। ये सानू बदनाम किया जाता है जी पीर को पुत्र मंगते ने और दरबारा तो पुत्र मंगते ने, ना ना साडा कीदा नहीं, असि मुशरिक होना है। आ किसे किसे मजार वाले तू पुत्र मंगना शिरके, इंच जाओ जाके फातिहा पढ़ो और उन्ना दे वसीले नल दुआ मंगो ते इदे अंदर कोई शिरक नहीं बल्कि जायज है। क्यों कुरान आदा या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वबतगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों मेनू राजी करन वास्ते वसीला तलाश करो,
रब नू राजी करन वास्ते बोलो वसीला तलाश करो ते ए दरबार सहबे मजार और सहबे दरबार ए ओ हस्तियां ने जिन्ना नू ते रब ने नेमता कीतियां ने और जिन्ना नू ते रब राजी है आए जिन्ना रात नू भी सजदे कीते दिन नू भी रोजा रखे उन्हें रब नू इंज राजी कीता है। अल्लाह उन्हें दा शान कुरान च बयान करता है। अल्लाह फरमाता है वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदौ वक़ियामा फरमाया मेरे पाक ते तैयब ते ताहिर ओ बंदे ने और जेड़े रात सजदे विच गुजारदे ने रात कियाम च गुजारदे ने। असीं इन्हां दीआं मज़ारां ते इंज नहीं जांदे, ये मज़ार वाले अल्लाह दे प्यारे ने। इन्हां दे मज़ार ते जाण के इन्हां दे वसीले नाल दुआ मंगणा साडा अकीदा है, पर साडा अकीदा है देंदा रब ए। पुत्र देवे ते रब दी मर्जी, धी देवे ते रब दी मर्जी, दोवें हस्तियां देवे ते रब दी मर्जी, ओए ना देवे ते रब दी मर्जी। हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम दी उम्र हो गई 100 साल। किन्ने साल जी? 100 साल उम्र हो गई। ते हजरत सहरा 120 साल उम्र हो गई। ते हजरत सहरा पाक दी उम्र भी ढल गई। ते एक दिन बुढ़ापे दी आलम दे अंदर आंदिया ने खलील रब नाल तेरी यारी नहीं, रब नाल यारी है जी है। फरमाया यार भी होवे ते मन्ने ना, ना तुहाडी मर्जी ना बोलो। सहरा पाक आंदिया ने यार भी तुहाडा होवे, रब भी तुहाडा होवे, ते तुसी रब दे यार हो, ते तुहाडी ना मन्ने ते पुत्र भी ना देवे, बुढ़ापा छा गया, मौसम मुक गई, जे कदी दे छड़दा तेरे यार ते खजाने विच कमी सी। मंगण दा इकबाल है ना जी, बस जद ठंडा सा निकलिया ना आ भरी आवाज निकली, बाहर दरवाजा खड़काया, जनाब इब्राहीम अलैहि सलाम फरमांदे ने कौन? फरमाया तुहाडे मेहमान। दरवाजा खोलिया, 12 जवान ने नूरानी चेहरा चमक धमक ते सलाम कीता। इब्राहीम अलैहि सलाम मेहमान नवाज सन, आपने बिठाया ते आने वाले ने पता क्या आख्या, खलील मुबारक होवे, तुहानू मुबारक होवे। हजरत इब्राहीम अलैहि सलातु सलाम ने मुबारक ली। हजरत सहरा पाक दे विच पर्दे दी ओट च खड़े होके सुनदियां सन पईयां वी मेहमान ते आए ने ते मुबारकां कादियां दिंदे ने पै। तवज्जो वेखो, मुबारकां कादियां दिंदे ने पै। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया कादी मुबारक? फरमाया तुहाडा रब आंदा है, असीं तुहाडी सुन लईए, असीं तुहाडी सुन लईए, तुसा मंगी दुआ असीं तुहाडी दुआ सुन लईए, असां तुहानू मुबारक देने हैं, अल्लाह तुहानू पुत्र देगा, अल्लाह तुहानू पुत्र देगा। ते सहरा पाक दा फिर ठंडा सा निकलिया, उन्हें कहा ओ जिथों भी आयो ते जो भी हो इस उम्र च मजाक कर दे हो, मेरी मौसम मुक गई, खलील दा बुढ़ापा छा गया, मजाक कर दियो। उन्हें आवाज दे के फरमान लगा गल इंजे, मौसम मुक गई, बुढ़ापा भी आ गया, पर सुनो रहमत मिन्ना। फरमाया साडा फैसला नहीं, तुहाडे रब दा फैसला है, तुहाडी रब दी रहमत दा फैसला है। अल्लाह ने तुहाडियां दुआवां सुन लईयां, अल्लाह तुहानू नेक बेटा अनायत फरमाएगा। गिरामी कदर अकीदा की है जी, पुत्र भी रब देंदा है, पहला देवे ओदी मर्जी, बुढ़ापे विच देवे ओदी मर्जी, जवानी विच देवे ओदी मर्जी, पर जदों देण दी वारी आई पहला जिक्र बेटी दा कीता, पहला जिक्र अपनी बेटी दा, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ इनासु व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। फरमाया रब बेटियां देवे रब दी मर्जी। मसलन पहला जिक्र अल्लाह ने बेटी दा फरमाया है। हजरत मोहतरम ये है कुरान, हुण जरा सुनो ना कमली वाले दा फरमान। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया रब जिस बंदे ते राजी होना चाहता है, मालिक जिस बंदे ते राजी होवे
फिर सुनो, मालिक जेदे उते, बोलो जेदे उते, रब जेदे उते राजी होवे, अल्लाह उन्हों ती वाली रहमत नाल नवाज देंदा है। फिर रब राजी होवे ते अल्लाह फिर दूसरी भी बेटियां नाल फरमांदा है। मसलन के धियां रब उस बंदे नू देंदा है जिहदे उते रब राजी होवे। आए बेगानियां नू रब नहीं देंदा, अपनियां नू अल्लाह धियां देंदा है। असी पुत्रां दे वारी लड्डू वंडने हैं ते धियां दे वारी जेड़ा भी सज्जन आंदा चलो कोई नहीं यार अल्लाह दी दे हैं। नहीं, आज मैं पुत्रां ते राजी होया कदी इंज धी ते भी राजी हो जा। हुण हदीस पढ़ोगे ईमान नु ताजगी मिलेगी, चस आ जाएगी। मेरे आका अली सलाम ने फरमाया जिस घर दे अंदर अल्लाह ताला दी रहमत आ जाए, अल्लाह दी रहमत आ जाए, जिस घर दे अंदर अल्लाह दी रहमत आ जाए, तुसी मेरे वल वेखो गल तवज्जो नाल सुनो। मेरे नबी फरमाया जिस घर दे अंदर अल्लाह दी रहमत आ जाए बेटी पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए, अल्लाह अर्श वाले फरिश्ते नु हुक्म देंदा है मेरे फरिश्तो अज जिस घर दे अंदर मेरी रहमत चली गई, बेटी पैदा हो गई, फरमाया जाओ उस घर के अंदर जाके उन्ना वास्ते दुआए मगफरत फरमाओ और उन्ना वास्ते दुआ मंगो कि या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ मंगने आए, इस बेटी नु अल्लाह तंदुरुस्ती अनायत फरमा। हजूर फरमांदे ने तियां ले घर फरिश्ते आंदे ने और आन के दुआ मंगदे ने कि या अल्लाह इस बेटी नु सलामत फरमा। अच्छा मैं तुहाडे तो पुछना, रब खुश होंदा ते फरिश्ते नु भेजदा है? रब तियां दी आमद उत्ते खुश होंदा ते फरिश्ते नू भेजदा है ते अगले बंदे नौवां नाल लड़ पैण, पुत्रां नाल लड़ पैण, आए बेटी पैदा हो गई, इस अनाद उत्ते बड़ियां तलाकां होईयां ने, बेटी पैदा हो गई, ए गैरत ने नहीं जवाब दिता, आए बेगैरत बेटियां ईदा कसूर नहीं, आए बेटे ए नहीं देंदे, बेटे भी रब देंदा है ते बेटियां भी रब देंदा है, पर जिन्हां नू अल्लाह बेटियां दे देवे अल्लाह उन्हां ते राजी हो जांदा है। इस वास्ते मेरे भाइयो बेटियां रब दी रहमत ने, जिवें पुत्रां दी आमद ते खुश होंदे हो इंज कदी पुत्तियां दी आमद ते भी खुश हो जाया करो। रब पुत्रां नू धियां दे, नौवां नू धियां दे, खुश हो जाओ अल्लाह तुहाडे उत्ते राजी हो जाएगा। मेरे आका फरमांदे ने फरिश्ते वेड़े विच आण के दुआवां मंगदे ने, वेड़े विच आण के दुआवां मंगदे ने ते दुआ भी वह मंगदे ने जिहड़ी दुआ अल्लाह दी बारगाह च मकबूल हो जाती है। हजरत मोहतरम मैं बड़ी प्यारी हदीस पाक सुनान लगा तुहाडे कोलों, अगर तुसीं तवज्जो नाल सुनोगे चस आ जाएगी ते मज़ा आ जाएगा ते मेरे नबी खुश हो जाएंगे। रावी कौन ने? हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये रावी ने, ते लफ्ज़ बड़े ज्यादा ने हदीस पाक दे पर मैं इक्को लफ्ज़ पढ़ांगा तुहाडे कोलों सुभान अल्लाह सुनाण दे।